हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग टुगेदर। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं 5 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस जो लेटेस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए 24 घंटे फंड ट्रांसफर की सुविधा दिसंबर 2019 से शुरू करने का फैसला किया है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दीपक पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या गोल्ड और सिल्वर मेडल। इसका सही जवाब है गोल्ड मेडल। एस्टोनिया की राजधानी तॉलिन में आयोजित जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की दीपक पूनिया ने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में रूस के अलिक सेजखोब के खिलाफ 2-2 की बराबरी पर रहकर यह गोल्ड मेडल जीता है। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर 10% का नया शुल्क लगाने का फैसला 15 दिसंबर 2019 तक टाल दिया है? ऑप्शन है भारत, जापान, रूस या अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का कौन सा बल्लेबाज एक दशक में 20,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे या शिखर धवन। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज विराट कोहली एक दशक में 20,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए और विराट कोहली ने 2010 के दशक में 20,018 रन बनाए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकी पोंटिंग ने 2000 के दशक में 18,962 रन बनाए थे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही और जानकारी वर्धक लगी है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।